सर आपका नाम? जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य अध्यापक संघ मध्य प्रदेश। सर क्या ये आप जो ये यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में 21 साल पूर्व शिक्षा कर्मी के रूप में हमारी भर्तियां की गई, तब से लगातार सरकार ने हमारा खूब शोषण किया है, भरपूर शोषण किया है। शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने राजनीति के एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है कि शिक्षा व्यवस्था भी चौपट होने जा रही है। हमारा मूल मुद्दा शिक्षा विभाग में संविलियन, हमारी नौकरी पंचायत विभाग लगाता है, काम शिक्षा विभाग में लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य शिक्षा व्यवस्था का कि सरकार ने हमारी बात को सुना नहीं। लगातार 40 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और जिलों में धरने दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मिलने आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम ज्ञापन देने आए कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा जाए कि जो लाखों लाख अध्यापक हैं उनको शिक्षा विभाग में लिया जाए, उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। जब राज्य के कर्मचारियों को सातवां वेतन दिया जा रहा है, तब मध्य प्रदेश के अध्यापकों को जो 21 वर्ष पूर्व नियुक्त हुए उनका छठा वेतन मान देकर उनको तड़पाया जा रहा है। छठा वेतन तो नाम का रहा है, लेकिन वो छठा छठाया वेतन रहा है। 1.5 साल से आज तक उस वेतन की कोई विसंगति को नहीं सुधारा गया है। मध्य प्रदेश में 1642 अध्यापक साथी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने के कारण उनके वारिस आज मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या तो भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था का दुर्भाग्य है। 21 वर्षों से एक ही विद्यालय में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई स्थानांतरण नीति का प्रावधान नहीं है। ऐसे विभिन्न गंभीर मुद्दे हैं। हमारे यहाँ पर पशुओं तक के बीमे किए गए हैं, लेकिन अध्यापक 3 लाख अध्यापक है, उनका कोई बीमे की व्यवस्था नहीं है। 2005 के बाद में सरकार ने पेंशन और ग्रेजुएटी का प्रावधान समाप्त किया था, लेकिन हम 2005 से पूर्व के नियुक्त है, हमारी कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, कोई ग्रेजुएटी की व्यवस्था नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में कोई नियमित हमारा शिक्षक यदि रिटायर होता है या अन्य कर्मचारी यदि रिटायर होता है तो उनका स्वागत जिले का कलेक्टर करता है, साल श्रीफल देकर उसकी विदाई की जाती है, लेकिन यदि एक अध्यापक रिटायर होता है तो उसको कोई श्रीफल देने तक की व्यवस्था नहीं मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ऐसे बहुत सारी गंभीर मुद्दों से व्यथित होकर, दुखी होकर, पीड़ित होकर आज हमारा दुखड़ा सुनाने हम भारत की राजधानी में जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री जी से मिलने, ये मध्य प्रदेश के लाखों लाख अध्यापक परिवारों के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और अपना दुखड़ा रोने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और मध्य प्रदेश के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में लेने का माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ से निर्देशित करें। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को यदि सुदृढ़ करने में यदि किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश के अध्यापकों ने काम किया है। आज भी यदि रिजल्ट आते हैं, परिणाम बोर्ड के आते हैं, तो सबसे शानदार रिजल्ट देने का काम मध्य प्रदेश के अध्यापकों ने सरकारी विद्यालयों के बच्चों को देने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मेडिकल में यदि सिलेक्शन होते हैं, IIT में सिलेक्शन होते हैं, तो सरकारी विद्यालय के बच्चों का होता है। उसका कारण हमारे अध्यापकों ने काम शानदार किया है, लेकिन सरकार ने हमारी कभी नहीं सुनी और जंतर मंतर तक हमको लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ा। 30 त्योहार का समय है, आपको पता ही है कुछ समय पूर्व जो देश में घटना घटी उसके कारण धारा 144 भी लगी हुई है, बारिश का मौसम है, विषम परिस्थितियों में हमारी ये बहनें भी आज आपके बीच में यहाँ पर बैठी है, जंतर मंतर पर बैठी है। आज हम हमारी समस्याओं से अवगत कराने भारत के प्रधानमंत्री जी को आए, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करवाए। मध्य प्रदेश में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट ठेकेदारों को स्कूलों के ठेके दे जा रहे हैं। RT के तहत 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कर अरबों रुपया सरकार उनको देने का काम, प्राइवेट स्कूलों को देने का काम कर रही है, जिसके कारण सरकारी विद्यालय पिछले 2 वर्षों में लगभग 10,000 विद्यालय बंद हो गए। आगे की स्थिति तो ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि डायनासोर जैसी स्थिति बन जाएगी कि सरकारी विद्यालय को ढूंढना पड़ेगा। ऐसी गंभीर मुद्दों को लेकर शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षा संवैधानिक अधिकार है, जनता का मूल अधिकार है, ये सरकार की व्यवस्था के अंडर होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको निजी हाथों में सौंपने का जो काम किया है, इससे उद्योगपतियों और बड़े बड़े लोगों को पोषित करने का ही सरकार काम कर रही है। हमारा निवेदन है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री सम्मान्य जावड़ेकर जी से कि इस मामले में हस्तक्षेप कर मध्य प्रदेश के अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करवाए और बैठकर उनकी बात को सुना जाए
तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार संवेदन शून्य हो गई है और अध्यापकों को दिल्ली तक आना पड़ा, ऐसा हम आपसे निवेदन मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से करने आए। यादव जी, जब आप लोगों का जब सिलेक्शन हुआ था उस समय क्या मापदंड रखा गया था? उस समय जब सरकार ने मापदंड रखा था तो भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार राजपत्र सरकार ने जारी किया था उसमें दो चीजें रखी थी, एक तो नियमित शिक्षाकर्मी के रूप में हमारी भर्ती की गई थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें वेतनमान को छुपा लिया गया था और सरकार ने गोपनीय तरीके से राजनीतिक चाल चलते हुए हमारे जीवन और जवानी के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। हमारा जीवन और जवानी इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बीत गया, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हम उन्हीं नियम नीति कायदों के तहत भर्ती हैं जो अन्य हमारे नियमित शिक्षक होते हैं, लेकिन अध्यापकों के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार करती, काम वही करवाती है, लेकिन कानून अलग हमारे लिए होते हैं।